के न्यूज की खास पेशकश के साथ और सुबह बोले के साथ मैं हूं सोनी चौहान और आज हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण कैसे। देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए भारत सरकार को जल्द ही सख्त कानून बनाना चाहिए। समय रहते जनसंख्या विस्फोट को रोका नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां खाद्यान्न, जल सहित कई प्राथमिक संसाधनों और रोजगार के लिए तरसेंगी। और जिसको लेकर ये बात भी कहा गया है कि तीसरी संतान से वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए और तीसरी संतान के बाद सब्सिडी भी रद्द कर देनी चाहिए और इसीलिए जनता अपनी राय रख सकती है इस मसले को लेकर, क्योंकि आम जनता की राय इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है। क्या इस तरह के कदम उठाने सही हैं? ये भी एक सीधा सवाल है दर्शकों से। क्या ऐसे कदम उठाने से जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर अवेयर होने की भी जरूरत है। और इसी बात को लेकर हम दर्शकों की राय भी जानेंगे, चर्चा भी करेंगे और ये बात तो वाकई काफी अहम हो जाती है कि जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और इससे आने दिनों में संसाधनों की कमी होना निश्चित है, तो इसको लेकर सजग होने की भी जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है और इसीलिए के न्यूज ने ये मसला उठाया है। इसको लेकर दर्शकों की राय काफी अहम हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहा है और इस नंबर पे कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि दर्शकों की राय इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है और ये एक सोच का भी पता चल जाएगा कि आखिर आम जनता इस बारे में क्या सोच रखती है, क्या जनसंख्या वृद्धि में रोक लगनी चाहिए। इसी बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, दर्शकों की राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत का हर कोना, हर नुक्कड़ ज्यादा आबादी होने का जीता जागता उदाहरण है। चाहे आप कहीं भी हों, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, सड़क, हाईवे, बस स्टॉप, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, बाजार, मंदिर या फिर कोई सामाजिक या धार्मिक समारोह, आप इन सब जगहों को दिन के किसी भी समय भीड़ से भरा देख सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि देश में जनसंख्या कितनी ज्यादा है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी ने 1 अरब के आंकड़े को पार कर लिया है। यह चीन के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि साल 2025 तक भारत चीन को भी पछाड़ देगा और विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए भारत सरकार को जल्द ही सख्त कानून बनाना चाहिए। समय रहते जनसंख्या विस्फोट को रोका नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां खाद्यान्न, जल सहित कई प्राथमिक संसाधनों और रोजगार के लिए तरसेंगी। खतरा इस बात का भी है कि अभी ही देश में बहुत ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी है। ऐसे में समय आ चुका है कि अब सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। ऐसे में ऐसा सुझाव दिया जा चुका है कि तीसरी संतान से वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए। इसलिए के न्यूज जनता को मौका दे रहा है बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए और ये बताने के लिए क्या सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, क्या तीसरी संतान से छीन लेना चाहिए वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार, क्या तीसरी संतान के बाद रद्द कर देना चाहिए सब्सिडी और सारे अधिकार। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।
वाकई जनसंख्या वृद्धि जिस रफ्तार से हो रही है इस पर सोचने की जरूरत है और सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले लखनऊ से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, कमल जैन जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। अजी हमारी राय तो यही है जो कानून है बनना चाहिए, अगर देश का हालात तो खराब है वो ज्यादा हम खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, देश को अगर आगे विकसित करना है तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। दर्शकों की राय इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है। हमारे साथ उमेश कुमार मित्तल जी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उमेश कुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया काफी अहम हो जाती है, सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है और हर जो एक जागरूक व्यक्ति है वो ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि कानून सख्त बनाए जाने की जरूरत है। क्या तीसरी संतान से वोट देने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाए या सब्सिडी रद्द किया जाए, ये कदम क्या उचित है, क्या ये सार्थक हो पाएंगे, इससे नियंत्रण लग पाएगा? सर आते हैं आपके पास, एक दर्शक लखविंदर जी पंजाब से जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले जान लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं लखविंदर जी। जी मैडम जी, लखविंदर सिंह कंधेली बेनती करना, ये सरकार नु सख्ती नाल कानून बना के ते जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तरह जनसंख्या वध रही ते बहुत देश का नुकसान हो जाएगा जी। बिल्कुल, जल्द से जल्द कानून बनाया जाना चाहिए ताकि जनसंख्या वृद्धि जो है वो नियंत्रित तो हो सके। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। जी उमेश जी, देखिए सख्त कानून बनाना ये अपने आप में एक आवश्यकता भले ही हो सकती है, लेकिन इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य पहलू भी हैं जिसके विषय में विचार करने की आवश्यकता है जी। और मेरे ख्याल से ये संभव है कि उन माध्यमों से शायद जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक प्रभावी कदम उठाया जा सकता है। बिल्कुल, नंबर एक उसमें से यह है कि अभी हमारे यहाँ जो मैरिजेबल एज है उसमें लड़की के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए मेल मेंबर के लिए 20 वर्ष की आयु रखी गई है, और उसके साथ ये भी हो सकता है कि इसमें मैरिजेस जो हैं वो जल्दी ना हो, उनमें थोड़ा विलंब होना चाहिए, जिसकी वजह से अर्ली मैरिजेस में जो स्पैन ऑफ चाइल्ड बर्थ है वो काफी प्रोलॉन्ग कर जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अधिक संख्या में पैदा होने की संभावना बढ़ी रहती है, और उसको नियंत्रित इस डिलेड मैरिज के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता जो है एक महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर पुरुष या यूं कहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों अगर शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से वो इस बात को गंभीरता से लेंगे और इसकी गंभीरता को समझेंगे कि अधिक बच्चे होना आवश्यक नहीं है बल्कि स्वस्थ बच्चे होना आवश्यक है। बिल्कुल, और ये भी बात उतनी ही आवश्यक है कि नारी और नर, ऐसा नहीं है कि एक एक लड़के की इच्छा में हम बच्चों की संख्या में परिवार में वृद्धि होती रहे। बिल्कुल, और इसलिए अब देखा जाता है कि ग्रामीण स्तर पर बच्चों की संख्या या बच्चों का परिवार जो बढ़ता रहता है। तो अगर स्त्री और पुरुष इस बात को समझेंगे और ये मानेंगे कि हाँ जितनी पुरुष जितना पुरुष महत्वपूर्ण है उतना ही लड़की भी महत्वपूर्ण है परिवार में, तो वो निश्चित रूप से दोनों व्यक्ति मिलकर इस बात को समझकर लड़कों की या बच्चों की संख्या पे अपने आप में प्रतिबंध स्वयं लगाएंगे। इसलिए नारी सशक्तिकरण और शिक्षा, ये दोनों चीज अपने आप में मैं समझता हूँ कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके स्थान पर सख्त कानून बनाने के लिए लड़के की चाह में कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस ओर थोड़ा सा इस भेदभाव को भी मिटाने की जरूरत है। आते हैं सर आपके पास, एमपी से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बता दीजिए, साथ ही अपनी राय रख सकते हैं आप। हेलो जी, जी सुन पा रहे हैं आपको? हाँ जी, अपनी राय रख सकते हैं आप। बनना चाहिए ऐसा कानून जी। जितेंद्र जी कहिए। जनसंख्या वृद्धि को लेकर क्या कानून बनाया जाना चाहिए? बनना चाहिए मैम। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। दर्शकों की राय वाकई इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है, और के न्यूज ने यह मसला इसलिए भी उठाया है क्योंकि अगर देखा जाए जनसंख्या वृद्धि तेजी के साथ जो है, जनगणना की अगर बात करें तो तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और अगर
कुछ अच्छा देश को तरक्की की राह पर ले जाना है, बेरोजगारी को दूर करना है, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं। अगर इनको इनको दूर करना तो जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। उमेश जी, आपने कुछ एक बातें बहुत अहम बताई। कई बार अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो देखा गया है कि अगर लड़की हो गई है तो एक लड़के की चाह रखने की सोच होती है, लड़का जरूरी हो जाता है उनके लिए, और लड़की लड़के का जो भेदभाव है इसकी वजह से भी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। एक लड़के के चक्कर में तीन तीन चार चार लड़कियां हो जाती हैं। जी, ऐसे परिवार हैं जहां तीन तीन चार चार नहीं छह छह सात सात लड़कियां भी हो गई हैं। बिल्कुल। और उसके बाद एक लड़का अगर पैदा हुआ है तब भी ये नहीं, ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर भी इस बात को नहीं समझा जाता कि हम छह बच्चों या सात बच्चों की परवरिश करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम और सशक्त हैं भी या नहीं। अगर हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं तो हम किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा देंगे, किस प्रकार के उनका भरण पोषण करेंगे, किस प्रकार के उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से हम उसको केवल संख्या वृद्धि अपने देश में करेंगे या अपने प्रदेश में करेंगे, लेकिन हम स्वस्थ जीवन उनको उपलब्ध नहीं करा सकते। दूसरी एक चीज, एक कमी जो अभी जिसमें और काम करने की आवश्यकता, मैं इसको कमी न मान के यूं कहूंगा। बिल्कुल सर, आते हैं अपनी बात को पूरा करिएगा। आप दर्शक जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से, उनकी राय पहले जान लेते हैं। जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। जी, जनसंख्या वृद्धि को लेकर कानून बनाए जाने की जरूरत है। जी जी, चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। जी सर, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। उमेश जी, तो स्वास्थ्य सेवाएं अगर हमारे यहाँ अच्छी उपलब्ध होंगी तो जो बच्चा पैदा होगा ग्रामीण स्तर पे, खास तौर से ये स्थिति ग्रामीण स्तर पे है, तो अगर बच्चा पैदा होगा, वहां पर बच्चे पैदा होते रहते हैं और परिवार को एक ये डर रहता है कि हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो जीवित रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। इस उम्मीद से पता लगता है कि वहां पर एक बच्चे की बजाय दो, दो की बजाय तीन और तीन की बजाय पांच बच्चे पैदा हो गए, और हो सकता है उनमें से मॉर्टेलिटी भी कुछ बच्चों की हो जाए, लेकिन यह भी एक कारण बनता है बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण, जिसकी वजह से बच्चे अधिक पैदा हो जाते हैं और निश्चित रूप से जनसंख्या, अनावश्यक रूप से जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है या हो जाती है। अब इस चीज को अगर आप एक आंकड़े के रूप में देखें तो हम लोग 1975 में हम लोग केवल 61 करोड़ थे और आज हम लोग 133 करोड़ हो गए हैं देश भर में, और अगर जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से स्थिति ये है कि हम 2050 तक 166 करोड़ हो जाएंगे, और उसी के कंपैरिजन में चीन में जो आबादी थी 1975 में वो 91 करोड़ थी, और उनकी आबादी 2050 तक केवल 130 करोड़ ही हो पाएगी। तो जहां हम 62 करोड़ से 166 करोड़ यानी 100 करोड़ अधिक हो जाएंगे, चीन में वृद्धि 91 करोड़ से केवल 130 करोड़ ही होगी, और उसके पश्चात जो तीसरा देश है अमेरिका, वहां पर 21 की बजाय वो 42 लाख होंगे, यानी 1975 से 2050 तक 80-85 साल में वो केवल दुगने हो पाएंगे। और हम दुगने क्या, हम लोग तो कितनी अधिक वृद्धि की जनसंख्या, बिल्कुल क्या माना जाए, अवेयरनेस की कमी मानी जाए। आते हैं सर आपके पास, एक दर्शक हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। आशीष जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। कानून बनना चाहिए इसके लिए। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। उमेश जी आते हैं आपके पास। अगर देखा जाए तो अगर एक जमाना था, अगर जैसे दादी के जमाने की बात करें तो उस टाइम पे लोग अवेयर नहीं होते थे इतना, उनको पता नहीं होता था कि क्या एहतियात बरतनी चाहिए या कैसे प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक संकुचित जो मानसिकता थी, छोटी विचारधारा थी। तो क्या अवेयरनेस की कमी आज भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसकी वजह से आबादी लगातार बढ़ती जा रही है बजाय शहरों की? जी बिल्कुल, अवेयरनेस की बहुत अधिक आवश्यकता है, और जिसमें इस अवेयरनेस के लिए केवल सरकारी संस्थाएं नहीं, इसमें जो एनजीओज हैं हमारे यहाँ उनको और अधिक काम करने की आवश्यकता है, और उनकी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है और बन जा और है उनकी अधिक जिम्मेदारी। जो भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे रोटरी क्लब भी उनमें से एक है, लॉयंस क्लब भी उनमें से एक है,
और इसी प्रकार के जो अन्य संस्थाएं जो काम करती हैं बिल्कुल देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए और प्रत्येक वर्ग के हित के लिए, तो इसलिए अवेयरनेस जो है कि अच्छा बच्चा, स्वस्थ बच्चा वो अधिक उपयोगी है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। इंस्टेंट अगर संख्या में एक की बजाय आपके पास चार बच्चे हैं, अगर स्वस्थ नहीं है, थोड़ा सा जागरूकता की कमी है। आते हैं सर आपके पास, लोकेश एक दर्शक जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से, उनकी राय जान लेते हैं। स्वागत है आपका लोकेश जी, अपनी राय रख सकते हैं। मैडम ये जनसंख्या के बारे में जो आपने इस समय ये पहल चलाई है, मैं इसको बहुत बहुत समर्थन करता हूँ। इसको आगे भी जो है आप ऐसी निरंतर चालू रखिएगा। मैम शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। उमेश जी आपके पास आएंगे, और इससे पहले दर्शकों से भी ये बात जरूर, एक अहम सवाल दर्शकों से भी है कि क्या जब तीसरी संतान से वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा या सब्सिडी भी रद्द कर दी जाएगी, तभी क्या ये बात समझ में आएगी कि जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। इससे पहले क्या ये बात समझ में नहीं आती कि अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो किस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है बेरोजगारी जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो ऐसे ही बढ़ता गया तो थोड़ा सा अवेयरनेस के लिहाज से अगर देखा जाए, जागरूकता के लिहाज से अगर देखा जाए, तो के न्यूज के माध्यम से अवेयर करने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। दर्शकों की राय इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, रवि जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। हाँ ये कानून बहुत जरूरी है, नहीं तो देश में बहुत आबादी हो जाएगी और चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अधिकतर जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका ये मानना है कि इसको लेकर, जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि या तो प्यार से कोई चीज की जा सकती है, किसी बात का पालन कराया जा सकता है, या तो फिर डर। और जब कानून बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कानून की सख्ती के चलते, एक डर के चलते ही सही, जो आबादी है उससे नियंत्रित किया जा सकेगा। और लगातार दर्शकों से एक सीधा सवाल है कि क्या तीसरी संतान से वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए, चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाए, या सब्सिडी रद्द कर दी जानी चाहिए। जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, क्या तभी जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है वो आएगी, इंसान समझ पाएगा, ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं। एक सीधा सा सवाल दर्शकों से भी है और इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही उमेश जी आपके पास आएंगे, आपसे सवाल है किस तरीके का कानून बनाए जाने की जरूरत है जनसंख्या वृद्धि को लेकर जो कारगर साबित हो। देखिए कानून बना देना मेरे हिसाब से ये एक अंतिम विकल्प हो सकता है। कानून बना देने से जो समस्या है उसके अन्य जो पहलू हैं, नेगेटिव पहलू, वो भी कई सामने आते हैं। उससे पहले आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग जो हैं शिक्षा को बेहतर करें, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करें, जो पिछड़ापन और गरीबी है उस गरीबी को दूर करें। देखिए गरीबी एक अपने आप में एक बड़ा प्रमुख कारण है, वो भी आबादी के लिए। बिल्कुल, वो इस प्रकार से है कि ग्रामीण स्तर में परिवार यह सोचता है या पति पत्नी यह सोचते हैं कि हमारे पास में यदि अधिक बच्चे होंगे, अधिक लड़के होंगे, तो हम उनको काम पर भेजेंगे। हाँ, और काम पर भेजने से निश्चित रूप से उनकी कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, जिससे घर को हम बेहतर तरीके से चला सकेंगे। तो इस बात का दबाव जो है वो किस बात पे पड़ता है, वो प्रत्येक संसाधन पे पड़ता है। उसकी ग्रामीण स्तर पर जो खेतीयर जमीन है वो भी दबाव में आती है, आवश्यकताएं निश्चित रूप से बढ़ती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो गांव में पैदा है, जो पल बढ़ रहा है, उसको खाने के लिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, और वो स्थान जो है वो संकुचित होगा, खेतीहर जमीन पर उसका बोझ बढ़ेगा, आवश्यकताएं निश्चित रूप से उसकी बढ़ेंगी। इसलिए गरीबी को दूर करना और रोजगार को उपलब्ध कराना, ये अपने आप में एक पहली आवश्यकता है जिसके माध्यम से पॉपुलेशन नियंत्रण ये संभव है। और एक इसका जो नेगेटिव पहलू एक और भी है वो है बाल श्रम। बिल्कुल बाल श्रम भी है सर, इसी बात पे वापस लौटेंगे आपके पास। हरियाणा से दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। अशोक जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। तीस संतान से वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार क्या छीन लेना चाहिए? बिल्कुल छीन लेना चाहिए। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी सर आपके पास आएंगे उमेश जी। देखने को मिला है।
जी, तो मैं ये कह रहा था कि आप गरीबी को हम दूर करें, उनको प्रोत्साहन दें, काम करने के लिए प्रोत्साहन, काम के अवसर अधिक उपलब्ध कराएं, जो स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम चला रखा है उसके माध्यम से, और शिक्षित करने के दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको ज्यादा सशक्त करें। अगर स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित हैं तो वो इस बात को गंभीरता से समझेंगे कि हमें निश्चित रूप से कैसे परिवार की आवश्यकता है। हमको अधिक लड़के या लड़कियों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सक्षम लड़कों, सक्षम बच्चों की आवश्यकता है, भले ही उनकी संख्या 2 हो या 1 हो या 3 हो। कुछ देशों में इस पर नियंत्रण भले ही कानून बना के किया जा रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं, मेरा ये अपना विचार है कि कानून बनाना एक अंतिम विकल्प हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे परिवार के लिए सब्सिडी रोक दीजिए, उसके लिए संसाधनों में कुछ कमी कर दीजिए, या उसे वोट देने के अधिकार से आप वंचित कर दीजिए, तो इससे एक विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी और निश्चित रूप से ये हमारे जैसे देश में शायद ये अन्य समस्याओं को जन्म देगी। इसलिए सख्त कानून बना देना ये इसका मैं समझता हूँ ऐसा इसका विकल्प ये नहीं हो सकता। इसके लिए मैं जैसे मैंने कहा कि शिक्षित होना, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होना, गरीबी जाहिर सी बात है जब इंसान शिक्षित होगा तो वो बेहतर सोच रखेगा और उसी हिसाब से सोच का परिणाम भी निकल कर सामने आएगा। आज भी उमेश जी देखने को मिलता है कि अगर 60-70 साल की महिला की जो एक सोच होती है, अगर पुराने जमाने की जो सोच है वो आज की सोच पर कभी कभी हावी होती नजर आ रही है। अगर देखा जाए कि यदि बेटा या बहू बच्चा नहीं भी चाहते हैं, दूसरे से तीसरा बच्चा नहीं चाहते हैं या एक से दूसरा बच्चा नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद भी इस तरीके से प्रेशराइज या ऐसा दबाव बना दिया जाता है कि दबाव के चलते कहीं ना कहीं उन्हें संतान पैदा करनी पड़ती है। जी जी जी, ये बात देखिए, मैं इसको इस हद तक समझता हूं और इसको मैं इस रूप में कहना चाहता हूं कि अब चूंकि शिक्षा का स्तर हमारे देश में भी बढ़ा है, अब हमारे देश में 74% शिक्षा का स्तर पहुंच गया है, तो जो यंग कपल हैं वो इस बात को समझते हैं, वो उन वृद्ध माता दादी दादा की बात सुनते अवश्य हैं, लेकिन इस बात को वो समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि हमको बच्चा कितने कितने समय पे चाहिए। कोई भी परिवार जो शिक्षित परिवार है, शादी होने के बाद भी ये देखते हैं, ऐसा देखा जाता है कि उनमें 2-3 साल का शादी के बाद गैप रहता है, उसके लेकिन बाद शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। आते सर आपके पास एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपना नाम बता दीजिए, साथ ही अपनी राय रख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को लेकर कैसा कानून बनाए जाने की जरूरत है, क्या कानून बनाया जाना चाहिए? हेलो जी, जी सुन पा रहे हैं आपको? जी सर जी, अपनी राय रख सकते हैं आप। एक कानून जो जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। वाकई इसको लेकर सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है और सबसे अहम बात जो बार बार निकलकर सामने आ रही है कि अगर जो जनता है वो शिक्षित होगी या समाज हमारा शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात है सोच में बदलाव आएगा और सोच में बदलाव आएगा तो उसके परिणाम भी अलग देखने को मिलेंगे। शिक्षा के अभाव के चलते भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ये स्थिति वहां पर ज्यादा दयनीय नजर आती है। जो जनसंख्या वृद्धि है या 2 से 4 बच्चे 6 बच्चे इस तरीके से नजर आते हैं, लेकिन अगर शहरों की बात करें तो लोग अवेयर होते जा रहे हैं और जागरूकता के लिहाज से अगर देखा जाए तो दर्शकों की राय इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर वोट देने का अधिकार तीसरी संतान से छीन लिया जाता है, चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाता है, तो क्या ये कदम कारगर साबित होंगे? इस बात को लेकर दर्शक अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी हुई हैं, नीलम चतुर्वेदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है। नीलम जी, क्या वजह मानती हैं जनसंख्या वृद्धि की? देखिए हमारे यहाँ एक तो विवाह धार्मिक संस्कार माना जाता है और विवाह का सबसे जब जहां भी जो भी विधि से विवाह हो उसमें यह भी माना जाता है कि विवाह का इस संस्कार का एक अपने परिवार के वंश को आगे चलाना है। एक यह सबसे बड़ी बात है क्योंकि अगर शादी हुई और बच्चा नहीं हुआ तो चारों तरफ से एक दबाव पड़ने लगता है क्योंकि हमारे यहाँ विवाह संस्कार का मायने यह है।
दूसरी बात यह है कि हमारी 35% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, और जो गरीबी रेखा के नीचे जी रही है उनको तो ये मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि पैसा वो जोड़ नहीं पाते, उनके पास स्वास्थ्य के लिए कहीं कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो वो ये जानते हैं कि अगर मेरे 6 बच्चे हुए तो उसमें से 4 जिएंगे। दूसरी बात, उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, वो सुबह से शाम तक काम करते हैं तब वो शाम को खाना खा पाते हैं, तो उनके लिए अगर वो प्रेग्नेंट हो गए तो वो प्रेग्नेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना, उसको अबॉर्ट कराना, ये सब चीजें उनके लिए बहुत कठिन दिखाई देती हैं। बहुत सारे अगर हम देखें तो जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोग हैं, हम अक्सर जब बस्तियों में जाते हैं तो उनसे जब पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं आपके, तो अक्सर उनके ज्यादा ही बच्चे होते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ बच्चों को ये मान के चला जाता है कि वो बुढ़ापे का सहारा है, तो बुढ़ापे का सहारा अगर मतलब बुढ़ापे का सहारा है, अगर 6 है कई ऑप्शंस रखने की जरूरत होती है। आते हैं नीलम जी आपके पास, मुरादाबाद से एक दर्शक सतेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं सतेंद्र जी। सतेंद्र जी टीवी का वॉल्यूम धीमा कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात रखिए। हाँ मैडम, ये कहना चाह रहे हैं जी, ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसमें ये कानून होना चाहिए कि हम दो हमारे दो वाला। चलिए, हम दो हमारे दो, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। जी नीलम जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि तो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जी रहे हैं उनके सामने इतने ज्यादा कारण हैं कि उनके कई सारे बच्चे होते हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में आज भी जो सेक्सुअल अब्यूज और महिलाओं के साथ जो जेंडर इक्वालिटी नहीं होने की वजह से जो हिंसा है यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। महिलाएं अगर दूसरे जो देश हैं उनमें महिलाओं लड़कियों की एजुकेशन पे जितना ध्यान दिया जाता है, हमारे यहाँ बस अगर हम गांवों में और स्लम्स में और जो ज्यादा बड़ी संख्या में देखें तो वहां लड़कियां और लड़के बस थोड़े दिन स्कूल जाते हैं, 8वां कर लिया, 5वां कर लिया, 8वां कर लिया, 10वां कर लिया। नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा नीलम जी मुझे ऐसा लगता है कि अशिक्षित होना और शिक्षा की कमी के चलते और अवेयरनेस के चलते कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं स्लम एरियाज या ग्रामीण क्षेत्रों में या गरीब तबके की जो एक सोच है वो ये होती है कि हम बच्चे तो आपने 4 से 6 पैदा कर लिए, जाहिर सी बात है 4 से 6 हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई और बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं तो कैसे उनको आप झेल पाएंगे, एक बच्चा होगा तो उसकी शिक्षा दीक्षा रहन सहन बेहतर हो पाएगा, इस बात को समझने की जरूरत है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंकर जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। मैडम जी एक मिनट समय ले सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल, कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा। जो इंदिरा आवास मिलता है उसमें लोग पैसे क्यों मांगते हैं? चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, क्योंकि ट्रैक चेंज हो जाएगा अगर हम इस बात पर जाएंगे और दर्शकों की राय इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। एक और बात हावी होती नजर आती है, जैसा कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहां पर एक कानून लागू किया गया कि अगर लड़का होता है तो 3,000 रुपए और अगर लड़की होती है तो 6,000 रुपए। इस चक्कर में भी क्या इस बात को भी जनसंख्या वृद्धि से जोड़कर देखा जा सकता है? इस बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है, क्योंकि ये बात भी समझ में आती है अगर दर्शक इससे जुड़ते हैं और अपनी राय देते हैं कि उनकी मानसिकता उनकी विचारधारा इस मसले को लेकर क्या सोच रखती है और क्या मायने निकलकर सामने आते हैं, इस लिहाज से भी दर्शकों की राय काफी अहम हो जाती है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, पानीपत से जुड़ी हुई है, अपनी राय रख सकती हैं, साथ ही अपना नाम बता दीजिए। अनीता आर्या जी। मैम ऐसे है जो जनसंख्या अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो, ये जनसंख्या तो कम होनी चाहिए मैम, क्योंकि जनसंख्या कम होगी तभी तो सभी लोगों को सभी तरह की सहूलियत मिलेगी, नहीं तो ये इतनी जो आबादी बढ़ रही है तो उससे किसी को भी किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिल रही, और ये सब कुछ सभी लोगों को भी चीज पॉसिबल हो सकती है, वो शिक्षा से संबंधित हो सकती है, अगर लोगों में
पढ़ाई का से रिलेटेड सारी बातें उनको समझ आ जाएंगी। जाहिर सी बात है, अगर शिक्षा का स्तर बेहतर होगा तो सोच में बदलाव आएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। उमेश जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल था कि ये जो कानून एक तरीके का लागू किया गया, एक बात जो निकलकर सामने आई, अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें कि अगर लड़का होता है तो 3,000 रुपए और अगर लड़की होती है तो 6,000 रुपए, इस चाह में भी लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है? ये एक है थोड़ी अजीब सी स्थिति है, लेकिन इससे ये है कि आप किसी भी बच्चे को जो भी पैदा हो रहा है उसको स्वीकार करें, उसमें भेदभाव ना हो, और ये माने कि अगर लड़की भी पैदा हुई है तो वो घर परिवार के लिए है और लड़की भी वही सब कार्य कर सकती है जो लड़का करता है, बल्कि लड़की जो है परिवार को जो भी सुरक्षा प्रदान करती है या घर में माता पिता का जो ध्यान रखती है, मैं समझता हूँ शायद वो ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा कमिटेड रूप में ध्यान में रखती है। बिल्कुल। तो इस भेदभाव को तो मेरे ख्याल से होने की बहुत आवश्यकता नहीं है, जो इस प्रकार का भेदभाव अगर है तो भी। लेकिन मेरा बल जो होगा वो इस बात पे होगा कि घर परिवार को सीमित रखने के लिए जो अवेयरनेस की आवश्यकता है वो अधिक है, अवेयरनेस करना चाहिए, और इसके लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्कुल एनजीओ जिनको हम कहते हैं, उनकी भी कम जिम्मेदारी नहीं है, समाज की कम जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस बात को समझें कि जो हमारे संसाधन हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें कि यदि किसी एक व्यक्ति के पास में आज के समय में उसके पास 1 एकड़ जमीन है तो 2 बच्चे हो जाने पर दोनों के पास आधा आधा एकड़, फिर उनके 2 बच्चे हो जाने पर चौथाई एकड़, तो अपने आप में जो आपके पास साधन उपलब्ध है वो घटता जाता है और उस पर प्रेशर बढ़ता जाता है, तो एक तरह से हम धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ते हैं। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें या ज्यादा जनसंख्या का विस्फोट होने लगेगा तो पता लगेगा कि जितने भी हमारे विकास के काम है, जितने भी हमारे सीमित संसाधन है, उनके ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है, और जो हम ये देखते हैं कि साहब देश के सामने बेरोजगारी की समस्या है, तो ये बेरोजगारी की समस्या को तो एक प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि होकर हम ही उसमें योगदान दे रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको गंभीरता से समझें, स्वयं शिक्षित हों, अपने बच्चों को शिक्षित बिल्कुल करें। ये बात भी साफ है कि कानून बना देने से महज इस बात का हल निकलकर सामने नहीं आएगा, विचारधारा में परिवर्तन की जरूरत है, शिक्षा की। बिल्कुल उमेश जी आते हैं आपके पास। गाजियाबाद से एक दर्शक प्रताप जी जुड़े हुए हैं, उनकी राय जरा जान लेते हैं। स्वागत है आपका प्रताप जी, अपनी राय रख सकते हैं। जी, और मैं इस जो भारत में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये धार्मिक नहीं है, ये सभी धर्मों में है। मैंने देखा है जो नीचा तबका जो लेबर क्लास है वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी। बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नीलम जी आपके पास आएंगे। कई बार स्लोगन के जरिए भी अवेयर करने की कोशिशें लगातार चली आ रही हैं, लेकिन वो कारगर साबित होती नजर नहीं आ रही है। देखा गया है, ये भी कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे हमारा एक, इस तरीके के स्लोगन भी निकल कर सामने आए, बावजूद इसका इफेक्ट होता नजर नहीं आ रहा। देखिए उनका इफेक्ट किस पर नजर आएगा, पहली बात तो ये है कि सरकार को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और लेने के लिए इसको मेन स्ट्रीमिंग में कर देना चाहिए। मुख्य चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई बैंक हो, चाहे वो कोई कॉलेज हो, हर जगह आपको इस मुद्दे पे जरूर बात करनी है, इस मुद्दे पे जरूर डिबेट रखनी है, इस पे जरूर, और ये सारे लोगों को समझना पड़ेगा कि ये एक यज्ञ और ये एक हवन की तरह है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करना है। और उसके लिए पहली बात तो महिलाओं का सशक्त होना, महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चाहे एक स्लम की महिला हो, वो चाहे एक गांव की महिला हो, जब वो पढ़ लेती है और अपने पैर खड़ी हो जाती है तो उसको पता होता है कि हमें ज्यादा बच्चे हम नहीं पाल पाएंगे, हम उतने ही बच्चों को पैदा करेंगे जितने बच्चे हम
पढ़ा लें, लिखा लें और उनकी जिंदगी बना सकते हैं। बिल्कुल नीलम जी, इसी बात से कंटिन्यू करिएगा। एक दर्शक हमारे साथ रघुनाथ जी जुड़े हुए हैं बांदा से, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं रघुनाथ जी। रघुनाथ जी अपनी राय रख सकते हैं। चलिए, एक परिवार में तीन बच्चों से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए, हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक परिवार में तीन बच्चों से अधिक नहीं होने चाहिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नीलम जी अपनी बात को पूरा कर, हम ये कह रहे हैं कि 95 में हमारे देश में जो महिलाओं का वर्क फोर्स था वह 38 और 39% था, आज वो घटकर 26% हो गया है। जबकि पूरी दुनिया में महिलाओं का वर्कफोर्स अगर हम देखें तो 50% से ज्यादा हो गया है। तो जब हमारे देश में इस बात पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, एक तो एजुकेशन की, कि महिलाएं और पुरुष सब एजुकेट हों, दूसरा उन्हें रोजगार मिले। एक रोजगार में जुड़ी हुई महिला जरूर चाहती है कि नहीं, हमारा नियोजित और अच्छा परिवार हो। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे देश में महिला हिंसा जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, महिला, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। कोई भी हाई स्कूल के बाद अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए माँ बाप डरते रहते हैं कि वो स्कूल जाएगी, अगर गांव है तो 2 किलोमीटर अगर जा रही है तो लौट रही, तो कहते नहीं बेटा तुम बस शादी कर दे तो बेटर होगा। दूसरा, हमारे यहाँ शादी की उम्र वैसे तो 18 साल है, लेकिन अगर हम देखें तो क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है बच्चा, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो 14 वर्ष की भी माँ बन रही है। 14 वर्ष में प्रेम मोहब्बत हो रहा है, 14 वर्ष में वो लोग चले गए, तमाम सारे, नहीं तो वो प्रेग्नेंट हो गई, बहुत सारी चीजें। तो जब एक बच्ची कमजोर हो जाएगी 14 साल की उम्र में, तो वो आगे चल के जब शादी के लायक होगी, 18 साल जिसको कहते हैं, तो उसके बाद भी, क्योंकि एक बच्चा उसका इस उम्र में अबॉर्ट हो चुका है, तो उसमें भी काफी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो हमें लगता है, हमें अगर हम चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण, तो हमें हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमें रोजगार सृजन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमें अभी जो हमने बात की कि जनसंख्या नियंत्रण को हमें हर जगह मेन स्ट्रीमिंग में रखना होगा। बिल्कुल, तो यह सारी चीजें अगर हमें सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा और सरकार भी इसका ध्यान रखे और जनता के बीच, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब भी कुछ होता है तो उसके लिए एक अलग बजट रखा जाता है और पब्लिसिटी बहुत की जाती है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो एक समय था हमारे देश में जब पब्लिसिटी बहुत की गई थी, लेकिन इधर अगर हम लंबे समय से देखें तो शायद जनसंख्या नियंत्रण पर जो पब्लिसिटी पे खर्च है वो इधर लंबे समय से बहुत मिनिमाइज कर दिया गया। बिल्कुल, मिनिमाइज किया गया है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। आते हैं नीलम से, एक दर्शक जयपुर से जुड़े हुए हैं, राम अवतार जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी, अपनी राय रख सकते हैं, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ मैडम, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे जनसंख्या के संबंध में जी, कि दोनों ही बात जो है जनसंख्या के संबंध में गलत है। एक तो क्या है, लड़कियों को भी खुद को ये ध्यान देना चाहिए, लेडीज है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका खान पान, स्वभाव, उनका चाल चलन, उनका क्या है, वो कैसा है। और दूसरी बात ये है, चलिए, सिर्फ लड़कियों को ही रखना चाहिए या लड़कों को भी रखना चाहिए? मैं यही निवेदन कर रहा हूँ आपसे, मेरी बात कुछ लंबी है और मैं ये आपसे निवेदन, भाई लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए, सरकार इसमें क्या करेगी? तो लड़के माँ बाप है उनको बाहर निकाल देते हैं और लड़कियां जो है वो बाहर निकल जाती है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है, मर्जिया जैसी ड्रेस पहनती है, लड़के मर्जिया जैसे अपचलन करते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन एक ऐसी विचारधारा भी निकल कर सामने आती है, इस बात पर जरूर उमेश जी आपके पास आएंगे, इस बात पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। और दूसरी बात, अगर नसबंदी का जिक्र किया जाए, अगर देखा जाए तो कई सारी फिल्में भी बनाई गई अवेयर करने के लिहाज से, एक टाइम था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का अगर जिक्र किया जाए तो नसबंदी की पहल की गई थी उस वक्त में जनसंख्या नियंत्रण करने को लेकर और सरकार तक गिर गई थी इस बात को लेकर, तो ये फैक्टर कितना कारगर साबित हो सकता है,
क्योंकि अभी भी विचारधारा बहुत अलग इसको लेकर निकलकर सामने आती है पुरुष की नसबंदी को लेकर। देखिए पहले भी जब नसबंदी लागू की गई थी तो उसमें भी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी दोनों ही प्रकार की नसबंदियां थी। उसमें भी टारगेट में यही कहा गया था हर परिवार के पुरुष ने ये चाहा कि महिला की नसबंदी हो जाए, तो महिला की नसबंदी ही क्यों हो, बिल्कुल पुरुष की नसबंदी भी हो सकती है। और वर्तमान समय में तो स्थिति ये है कि इस चीज को अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो नसबंदी कराना तो एक अपने आप में एक बात है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य साधन है या अन्य माध्यम है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स तमाम प्रकार के हैं, कंडोम है या और तमाम प्रकार की चीजें हैं, कॉपर्टी वगैरह महिलाओं के लिए होती है, कंडोम पुरुष के लिए होता है, तो इस प्रकार के अगर चीजों का या इस प्रकार के उपायों को लागू किया जाए या इस प्रकार के उपायों को ग्रहण किया जाए। अब वो ग्रहण किस प्रकार से हो सकता है, वो ग्रामीण स्तर पर जो तमाम ग्राम्य स्तर पर काम करने वाली महिलाएं हैं वो महिलाओं के बीच में जाती हैं, उनसे खुलकर बातचीत करें, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर आज भी महिलाएं इस तरह की बातचीत करने में शर्म महसूस करती हैं, वो खुले में बात कर नहीं पाती हैं। तो जो हमारे काम करने वाली तमाम प्रकार की महिलाएं हैं वो राजकीय स्तर की या उनको शासकीय महिलाएं हम लोग कह सकते हैं, तो वो उस चीज का वितरण करें, उनको सजग करें, उसके फायदे बताएं और उनको ये अवेयर करें कि सीमित परिवार किस तरह से आपके लिए अधिक लाभकारी है, तो ऐसे माध्यमों का अधिक उपयोग किया जाए तो उससे निश्चित रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण होगा और एक केवल परिवार को ही लाभ नहीं होगा इसका, इसके पूरा प्रदेश पूरे देश को इसका लाभ होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रेशर आता है वो देश के संसाधनों पर आता है। तो अगर हम अपने संसाधनों का उपयोग अगर 1 करोड़ व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर उनकी संख्या कम से कम आगे आने वाले वर्षों में अगर यही बनी रहे और संसाधनों में वृद्धि हो, उपायों में वृद्धि हो, तो निश्चित रूप से हमारा जो रहन सहन का स्तर है वो ऊपर उठेगा और उसमें वृद्धि होगी और हम एक बेहतर समाज, सशक्त समाज होंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इसीलिए जो मैंने कहा था कि इसमें नारी सशक्तिकरण की एक अहम आवश्यकता है। नारी जो है अगर इस बात को समझेगी, अभी तक नारी की स्थिति कम से कम ग्रामीण स्तर पर तो ये है कि पुरुष जो कहता है वही बात मान्य होती है, वही बात अंतिम होती है। अगर दोनों आदमी शिक्षित हैं तो वो महिला भी पुरुष को समझाएगी कि भाई हमको अधिक बच्चों की आवश्यकता नहीं है, हमको स्वस्थ सीमित और अपने संसाधनों में उनको पालने और बढ़ाने के लिए जितने हमारे पास जो आर्थिक स्थिति है उतने ही बच्चों की हमको आवश्यकता है, अधिक बच्चे जो है वो हम पर बोझ हो सकते हैं, देश समाज पर बोझ बनेंगे। सशक्तिकरण की जरूरत है, जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, दर्शकों से भी एक सीधा सवाल है और दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। नीलम जी आपके पास आएंगे। नारी सशक्तिकरण का जिक्र किया है उमेश, इतना जरूरी मानती है इसे। जेंडर इक्वालिटी बहुत, हमारे यहाँ लिंग भेद भाव, लिंग भेद वो भी भाव के साथ, बिल्कुल हाँ, और जिसको समाज ने पैदा किया है, जिसको हमने पैदा किया है, तो हम जिस तरह से औरत को दुय्यम मान के चलते हैं, पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित हमारा सब जगह है, परिवार से लगा के समाज से लगा के सड़क में भी अगर हम देख लें तो रिक्शे वाला भी एक दूसरे को गाली दे रहा होता है तो उसकी माँ बहन के साथ मौखिक बलात्कार कर रहा होता है। तो ये जो हमारी थिंकिंग है एक्चुअली इस पे जब तक रोक नहीं लगेगी, जब तक हमारी महिला सशक्त नहीं होगी, महिला क्या महसूस करती है, वो तो बीमार महसूस करती है सड़क पे हर जगह। तो हमें लगता है सरकार को इन सारी चीजों पे ध्यान रखना होगा। अगर सरकार गरीब लोगों में ये बता दे कि तुम्हारे बच्चों का स्वास्थ्य, दो एक बच्चा पैदा होगा उसका स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी हमारी है, दो बच्चे पैदा होंगे उसके स्वास्थ्य की पूरी हमारी जिम्मेदारी है, और अगर दो बच्चे हुए तीसरा तुमने नहीं किया तो उसकी पढ़ाई में बहुत सारी चीजों में हम तुम्हारा साथ देंगे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जरूर लोग ध्यान देंगे। अगर हम ये कहेंगे, अगर उन्हें ये मालूम है कि ना तो स्वास्थ्य की गारंटी है ना शिक्षा की गारंटी है, तो उन्हें लगता है ठीक है यार जितने पैदा हो रहे हैं क्या है, अपना काम करेंगे, कोई टायर बना रहा होगा, कोई कहीं कुछ कर रहा होगा, पैदा होने दो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम होता है कि हमारा
एक बच्चा कहाँ काम कर रहा है, दूसरा कहाँ कर रहा है, कौन इस समय कहाँ पर है, बिल्कुल। तो उसमें अपराधी भी है तो उन्हें नहीं मालूम होता, बिल्कुल। अगर उनसे कहो कि ये आपकी बिटिया आजकल ये कर रही है या आपका बेटा आजकल ये कर रहा है, कहले कहाँ आप कारण बहन जी हमारे पास समय नहीं है, रोटी जुटाने में जुटे रहते और ये लोग हमारी बात नहीं सुनते। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार जिस दिन यह तय कर लेगी, अभी RTE की तहत जो राइट टू एजुकेशन के तहत कानून बना, बहुत मुश्किल से बनाया गया कि भाई चलो 5 साल 3 साल से 7 साल के बच्चे किसी भी विद्यालय में, बड़े विद्यालय में, अच्छे विद्यालय में, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार को थोड़ा जनसंख्या वृद्धि को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि ये वाकई गंभीरता से सोचने वाला विषय है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय जान लेते हैं। शुभम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। जी मैं शुभम श्री वास्तव, मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। जैसा कि 3 से ज्यादा अधिक अगर बच्चे होते हैं उनपे कड़ा कानून लागू होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और अधिक से अधिक ज्यादा संख्या है, हमारा देश भुखमरी की कगार पे जा रहा है, सरकार को भुखमरी की कगार पर जा रहा है और जाहिर सी बात है बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी इस बात को रखने के लिए। वाकई लेकिन 3 से ज्यादा पे क्यों, 2 से ज्यादा पर क्यों नहीं, इस बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा का स्तर बेहतर करने की जरूरत है, अगर शिक्षा का स्तर बेहतर होगा तो विचारधारा में बदलाव आएगा और विचारधारा में अगर बदलाव आएगा तो जाहिर सी बात है अच्छा बुरा इंसान बेहतर तरीके से समझ पाएगा। और जनसंख्या वृद्धि जिस तरीके से हो रही है इसको लेकर थोड़ा सा सजगता और गंभीरता की भी जरूरत है और सरकार को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। और दर्शकों की राय इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है कि क्या तीसरी संतान से वोट का अधिकार छीन लेना जो अधिकार है ये छीन लेना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए, तभी क्या ये कदम सार्थक होगा, क्या ये कारगर साबित होगा, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, रविंद्र जी अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी मैम, बिल्कुल शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। उमेश जी आपके पास आएंगे, जैसा कि अभी जो उम्र निर्धारित की गई है शादी करने की 18 साल लड़की की और 20 साल लड़के की, तो क्या इस उम्र की सीमा को बढ़ा देना चाहिए, इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है? देखिए ये आयु में वृद्धि करना, इस बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन जब हम मतदान देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में दे रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि 18 वर्ष की आयु में कोई भी लड़की और इस प्रकार के लिए सक्षम हो जाती है कि वो मतदान भी कर सकती है, विवाह भी कर सकती है, इसलिए मैं तो नहीं इतना इस बात पर समझता, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या इसमें वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन ये घर परिवार में ही केवल सोचने की आवश्यकता है। अगर आप बच्चे की या लड़की की पढ़ाई को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से वो लड़की जो है वो 18 वर्ष की आयु में शादी के लिए बल न देगी, न घर परिवार वाले उसको बल देंगे। वो अपने पैरों पर अगर खड़ी होने लायक बन जाए या उसको माता पिता घर में, उसको लड़की को घर परिवार में खड़े होने लायक बनाए, तो अपने आप में ही 18 वर्ष की आयु जो है या 20 वर्ष या 21 वर्ष या 22 वर्ष अपने आप ही चली जाती है। होता क्या है कि ग्रामीण स्तर पर ज्यादातर मैं ये समझता हूं वहां पर यह सोचा जाता है कि भाई लड़की है ये पढ़ लिख के क्या करेगी, अल्टीमेटली इसको शादी हो जानी है और इसको किसी दूसरे परिवार में चले जाना है, तो वो ना उसके शिक्षा पर ध्यान देते हैं और केवल उनका ध्यान ये होता है कि जहां लड़की 15-16 साल की हो जाए तो उसके लिए वर की तलाश करिए, और भले ही वो कहने को 18 वर्ष कह भी दिया जाता है, भले ही वो 18 वर्ष की न भी हुई हो, तो उस बात पे ध्यान दिया जाता है या उस बात पे गांव के लोग जो है विशेषकर उस बात पे बल देते हैं। बिल्कुल रही इस बात की बात कि उनको मतदान देने के अधिकार कम करने या न करने की अगर बात है, तो संविधान हमारा मतदान के अधिकार में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो अगर किसी परिवार में बच्चे 2 की बजाय 3 हो गए या 4 हो गए, इस आधार पर अगर उनके आप अधिकार को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, तो शायद हमारा संविधान जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देगा और शायद इस प्रकार का नियम मेरे ख्याल से हम नहीं बना पाएंगे। दूसरी एक बात जो मैंने कही थी नारी सशक्तिकरण की, नारी सशक्तिकरण के विषय में
अभी भी देखिए जो हमारे एक राजनीतिक दलों के भी, भले ही ये थोड़ा सा विषय से आपके मैं अलग बात कह रहा हूं, लेकिन हमारे राजनीतिक पार्टियां कहती अवश्य है कि साहब 33% जो है वो हमारा रिजर्वेशन हाँ, महिलाओं के लिए होना चाहिए और महिलाओं की संख्या संसद में होनी चाहिए। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कम से कम 180 महिलाएं होनी चाहिए थी और आज अगर 80 महिलाएं भी पहुंची हैं तो हमको ये लग रहा है कि साहब बहुत महिलाएं पहुंच गई और इसमें किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। केवल इस बात की आवश्यकता है कि राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को तरजीह दें और कम से कम 33% बिना कोई नियम लागू किए अगर वो उनको टिकट देती हैं और उनको कहती हैं कि आप चुनाव में आगे आइए तो अपने आप उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, बिना किसी कानून के बढ़ जाएगा। तो हम बात तो प्लेटफॉर्म से करते हैं नारी सशक्तिकरण की, लेकिन उसको वास्तव में एग्जीक्यूट कितना करते हैं इन दोनों में बड़ा भेद हो जाता है। बिल्कुल भेद भाव साफ तौर पर नजर आता है। न केवल सरकार, एक दर्शक जुड़े हुए हैं उमेश जी, आते हैं आपके पास। कानपुर से एक दर्शक अर्पिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकती हैं अर्पिता जी। मैम, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए हमारी सरकार को लोगों का जो ज्यादा बच्चों की वजह से उनका राशन कार्ड रद्द कर देना चाहिए, वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए उनसे, और जो भी सब्सिडी या सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होती है उन्हें कम कर देना चाहिए, तो लोग इस पर जरूर ध्यान देंगे। बिल्कुल शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तीसरी संतान को वोट देने का अधिकार उससे छीन लेना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए, सब्सिडी रद्द कर देनी चाहिए। क्या ये कदम जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण इसके जरिए किया जा सकता है? नीलम जी, ये कारगर साबित हो सकता है? नहीं, हमको लगता है कि सरकार अगर ये गारंटी कर ले कि हम मृत्युत्व मात्र दर घटा देंगे, अगर ये गारंटी ले ले कि हम शिशु मृत्यु की जो दर है वो घटा देंगे, अगर वो ये गारंटी ले ले कि तुम्हारे जो भी बच्चे होंगे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है, हाँ तीसरा बच्चा हुआ तो उसकी तुम्हारी है, दो बच्चे की मेरी है, लेकिन ये कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून बनते हैं, अभी जो हम बात कर रहे थे कि RTE राइट टू एजुकेशन के जो बातचीत हुई कि भाई हम 3 साल से 7 साल तक के बच्चों को आपके चाहे खोमचा लगाते हैं कुछ करते हैं लेकिन हम आपके बच्चों को लेंगे और 5,000 उसके लिए सरकार देगी और उसका खर्चा सरकार उठाएगी, लेकिन अभी क्या पोजिशन है, इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं और वो उनके आसपास उन स्कूलों को देते हैं जहां कोई बच्चे नहीं जाते, उनका वो नाम दे देते हैं। तो ये सब धांधली है, हर जगह जरा सा कुछ होता है तो उसके लिए वो भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। तो हमारे देश में कैसे बच्चों की जिम्मेदारी लेगी सरकार, कैसे उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेगी सरकार? और जब तक एक आदमी को ये गारंटी ना हो जाए कि मेरा दो बच्चा कम से कम स्वस्थ रहेगा, जब तक ये जिम्मेदारी ना हो जाए कि हाँ भाई हम दो बच्चों को पढ़ा लेंगे, तब तक वो कैसे, आप कैसे सोच सकते हो कि उनके ऊपर खाली हम ये कह दें कि तुम्हें वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, तुमसे ये कर लिया जाएगा? अरे वो तो वैसे ही मर रहे हैं, उन्हें है ही क्या, उन्हें मिला ही क्या है, उन्हें अपना एक ये जो राशन का लेने के लिए जो कार्ड है वो तक तो बनवाने के लिए उन्हें परेशानी रहती है। 35-40% गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिनमें से 7-8% लोगों के ये कार्ड बने हुए हैं, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर हमारे देश में लोगों को पता चल जाए कि हम बूढ़े होंगे तो हमें पेंशन मिलेगी, हमें भोजन मिलेगा, बिल्कुल, तो शायद वो जो बुढ़ापे का सहारा अपने बेटे या बेटी को मान रहे हैं, वो जो कई सारे बच्चे हमारे साथ हैं नीलम जी जुड़े हुए हैं, बेसिक चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। हरियाणा से एक दर्शक हैं, जयप्रकाश जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। चलिए फिलहाल समय इतना था और चर्चा को आगे अब नहीं बढ़ा सकते। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नीलम जी आपका भी, उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विचारधारा में बदलाव लाने की जरूरत जरूर है और जनसंख्या वृद्धि को लेकर सरकार को भी गंभीर और सजग होने की जरूरत है, कानून बनाए जाने की जरूरत है। इसी के साथ सुबह बोलेगा में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।